तो इस वीडियो में हम बात करेंगे MUS और BAR के बीच होने वाले T10 के आज के तीसरे मैच के बारे में। तो आपको ध्यान से पूरा वीडियो वॉच करना है। सबसे पहले तो यार पहले मैच में हम सभी लोगों ने अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया, तो यार एक लाइक ज़रूर कर देना। यार एक छोटा सा काम है मेरा और वो ये है, हमारे चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी होने वाले, बहुत ही जल्दी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, उम्मीद है आज ही हो जाएंगे। तो जो भी भाई वीडियो देख रहा है, रिक्वेस्ट है कि यार सब्सक्राइब जरूर कर ले। बाकी देखो चैनल पे वीडियो पे लाइक करो ना करो आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी मेरा काम है आपको अच्छे खासे प्रॉफिट में लाना और वो मैं अपने तरीके से कर भी रहा हूँ। आप देखोगे मैक्सिमम लोगों का आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ठीक है। मतलब कहर मचा दिया है पहले मैच के अंदर हमने, तो यही उम्मीद से मैं सेकंड मैच कवर कर रहा हूँ। और पॉइंटों पे ध्यान देना कि मैं किस प्लेयर के बारे में क्या बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या होता है ना, मैं सिलेक्शन बेसिस पे, जैसे मान लो कई बार डर सा लगता है ना कि यार अगर ये नहीं चला तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, उस तरीके से मैंने जी सिंह को ले लिया। बाकी मैंने आपको वीडियो में क्लियरली कहा था कि जी सिंह से बहुत बेहतरीन प्लेयर रहेगा, के मध्यान वैसा ही हुआ, बट फिर भी कोई ना, अगर हम उसको ले लेते तो ग्रैंड लीग विन होना लगभग कंफर्म था। बाकी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो डायरेक्टली मैं आपको टीम ही दिखाऊंगा, मैं ये शॉर्ट वीडियो है। हाँ, बाकी जो मेन पॉइंट्स है कैप्टन वाइस कैप्टन पे और दो डिफरेंशियल प्लेयर, उन पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले MUS की हम बात करते हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं ना, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। और इस मैच में आपके लिए 2000 का गिव अवे भी रहने वाला है, ध्यान रहे। और वो गिव अवे आपको जो सेकंड टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिलेगा उस पर मिलने वाला है, तो ज्वाइन कर लेना इस सेकंड टेलीग्राम चैनल को। यहाँ पर हो सकता है मैं आपको इस मैच की ग्रैंड लीग की भी टीम दे दूँ, तो ज्वाइन कर लेना जिन्होंने नहीं किया। बाकी मेन चैनल तो अपना आपको बताइए IKM वाला है, जहाँ पर 1,26,000 से ज़्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं। और वहाँ पर आने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो वीडियो में टीम ऑलमोस्ट फाइनल है, लेकिन कई बार प्लेयर नहीं खेलते तो उस बेसिस पे जो टीम में चेंजेस होंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। देखो ध्यान से वीडियो को देखना। MUS की सबसे पहले हम बात करते हैं, जिन्होंने 4 मैचेस में 2 विन किए, 2 हार के आ रही है। उसके बाद BAR की अगर मैं बात करूँ, इन्होंने 4 मैचेस हुए हैं जिसमें से एक मैच तो बारिश के कारण रद्द हो गया था, बाकी के बसते 3 मैचेस में एक मैच ये जीती है और 2 मैच ये हार के आ रही है। ओवरऑल देखा जाए दोनों टीमें सेम पोजिशन पर हैं। कल के बेसिस पे, मतलब कल BAR के कुछ मैचेस हुए थे, 2 मैचेस, और BAR के 2 मैचेस के कारण अली रसूल को बहुत लोगों ने कैप्टन बना रखा है। तो क्या भाई आपको कैप्टन बनाना है या नहीं बनाना, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट आपको आपका कैप्टन से ही मिलने चाहिए होते हैं। अब आज आपको इसको बनाना है नहीं बनाना है, सामने वाली टीम को देखो, MUS की टीम है और MUS की टीम के ओपनर है फैयाज मोहम्मद, और ये बंदा बहुत ही गजब का है, ये बैटिंग से भी पॉइंट देगा, बॉलिंग से भी। अली रसूल को कल विकेट मिले क्योंकि इनके सामने टीम थी PLO की टीम, PLO की साइड से सिर्फ एक बंदा कल परफॉर्मेंस दिखा रहा था, वो था सैम हुसैन, बैटिंग से बॉलिंग से तो दिखा ही रहे थे बॉलर्स। बाकी कल क्या हुआ था, PLO के प्लेयर को जो है ना अली रसूल ने आउट किया, और इस रीजन से मैक्सिमम लोगों ने जो कैप्टन और वाइस कैप्टन बना, कैप्टन जो बना रखा है वो अली रसूल को बना रखा है। लेकिन आज मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ, अली रसूल से ज़्यादा बेटर आपके लिए ऑप्शन रहेगा फैयाज मोहम्मद। और इसके बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका एक तो सिलेक्शन काफ़ी हाई है, ठीक है, और उसके अलावा ये मैक्सिमम लगभग 50% से ऊपर लोगों का कैप्टन है। तो ये प्लेयर आपके लिए आज इतना इंपॉर्टेंट शायद ही रहे जितना कि कल रहा था, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके अलावा देखो ज़्यादा लंबा मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों टीमें ऑलरेडी मैचेस खेल चुकी है। जो मेन पॉइंट्स हैं मैं उसी के बारे में आपको दिखाऊंगा, मैं आपको टीम दिखा देता हूं और उसके अंदर ही जो कुछ चीज़ें बचेगी वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी ध्यान रहे टेलीग्राम एक बहुत बड़ा काम करेगा आपके लिए इस मैच के लिए, तो जुड़ जाना। जो भी भाई नहीं जुड़े हैं, लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। विकेट कीपर सेक्शन लक बेसिस पे होगा, अगर तरीके से देखोगे तो बेटर प्लेयर आपके लिए और रसूल रहना चाहिए, जो कि बंदा ओपन करेगा, उसके अलावा विकेट कीपिंग करेगा, यानी बैटिंग में ओपन के साथ साथ जो कैचेस वगैरह पकड़ेगा उसके भी पॉइंट मिलेंगे। इन तीनों से बेटर आपके लिए यह रह सकता है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आपको रसूल को नहीं बनाना है, यहीं पर तो गेम अटकेगा ना। देखो लोग क्या है पता है आपको, किसको बनाने वाले, या तो इसको बनाएंगे, मैं भी इसी को बनाता, लेकिन तरीका देखना किसको आपको बनाना चाहिए, ठीक है। और रसूल है आपके पास, बॉय को है डी सिल्वा, लेकिन मैं बनाऊंगा इसको सबसे अलग जो नीचे, इसको क्यों बनाऊंगा, क्योंकि इसके बारे में आपको बता दूं, ये बंदा बॉलिंग भी करवाता है, ठीक है, कल बॉलिंग करवाई, 2 ओवर बॉलिंग करवाई, वो भी प्रॉपर बॉलिंग करवाई और अच्छी खासी बॉलिंग करवाई, 1 विकेट लिया और 20 रन बनाए, और इसका सिलेक्शन है सिर्फ 23%। ये मैच आपके लिए कुछ हद तक बेटर रह सकता है, तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन ये भी हो सकता है, देखो ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ये बंदा ओपन करेगा, ये बंदा चौथे पांचवें नंबर पे आएगा, बट ये क्या है बॉलिंग करेगा, लेकिन MUS के बैट्समैन काफ़ी तगड़े, तो हो सकता है बॉलिंग से विकेट ना मिले,
तो वहां पर आपके हाथों से गेम छिन जाएगा अगर इसका परफॉर्मेंस नहीं दिखा तो, ठीक है। इसीलिए ध्यान देके इन्वेस्टमेंट करना है। बीएआर अगर पहले बैटिंग करती है तब तो आपको ले लेना है वी रिश्तों को, बॉलिंग करती है तो सीधा सा और असूल को, क्योंकि बैटिंग में और असूल की जब पहले बैटिंग आती है आपको मैक्सिमम पॉइंट देने की क्षमता रखेगा और उम्मीद भी है कि बहुत अच्छा पॉइंट आपको देके भी जाएगा, ठीक है। अभी के लिए तो मैं वी रिश्तों को ले रहा हूँ। बैटिंग की बात आती है, देखो डायरेक्टली टीम में आपको दिखा रहा हूँ। अब इसमें देखो कल जो इस टीम का मैच हुआ था, ननकोव ने हमें अल्ट्रा क्लीन स्वीप करवाया था और एक था टी यादव ने, इन दोनों ने अल्ट्रा क्लीन स्वीप ऐसा करवाया था, लोगों को मिलियनों का प्रॉफिट दिलवाया था। तो आज मैं मिस्सी के साथ जाने वाले, लेकिन आज ही हमारा पिक नहीं रहेगा। आज सबको पता है कि भाई बॉलिंग करवाता है और ले भी रखा है। आज हमारे पिक जो रहने वाले, एक तो हमारा पिक रहेगा वी रिश्तों और एक हमारा पिक रहेगा हमारा कैप्टन, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का कैप्टन आपके सामने 52% ए रसूल, ठीक है। और मैं इसको एज ए नॉर्मल प्लेयर लेके चलने वाला हूँ। और बात आती है मेरे वाइस कैप्टन पे, तो वाइस कैप्टन या तो मैं डी के डिसूजा को बना दूंगा, या फिर अगर मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकूँगा, मतलब लगेगा कि यार ज़्यादा हो गया, तो उस केसेस में मैं ए रसूल को बी सी भी बना सकता हूँ, क्योंकि बंदा ये मतलब ओपनिंग भी कर रहा है बैटिंग में और साथ में दो और बॉलिंग भी करवा रहा है। लेकिन मैं इसको कैप्टन इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि कल जो मैचेस हुए थे ना वो अलग टीम थी और वो उनमें से सिर्फ दो एक प्लेयर चल रहा था, बाकी किसी का बैट मतलब पकड़ना ही नहीं आ रहा। वैसे प्लेयर अच्छे हैं उस टीम में, पीएलओ में मना नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन केस अलग चला गया था उस केसेस में, ठीक है, उस कंडीशन में सॉरी। तो वहां की टीम अलग हो जाती है और यहां पर अलग हो जाती है, तो ये टीम है मेरी, ठीक है। अगर कोई चेंज होता है, मान लो कोई प्लेयर नहीं खेलता है, तब मैं चेंज करूंगा। अगर मतलब कोई चेंज नहीं होता है तो इस वीडियो वाली जो टीम है इसी के साथ मैं जाने वाला हूं। तो आप लोग ज्वाइन कर लेना कॉन्टेस्ट, लिटिल बिट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकते हो। ड्रीम के जो यूजर्स हैं वो भी लिटिल बिट कर सकते हो, बाकी मैं सजेशन तो नहीं दूंगा क्योंकि ड्रीम इलेवन में मतलब बहुत हाई कंपटीशन होता है, तो मैं मतलब मना ही करूंगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है क्योंकि मनी आपकी है, ठीक है। ये टीम लगा के कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर लेना। बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में काम कहा था कि यार अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बाकी वीडियो को लाइक करो ना करो आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना अगर फाइनल टीम आपको लेनी है तो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।